पैंडी टूट्स के फिफ्थ एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है द एक्सचेंज। और फिर दिखाया जाता है मिगेल और विल्सन जो है वो निकल पड़े हैं चाबी ढूंढने की तलाश में, क्योंकि इनको पता चला है कि चाबियां जो है वो कब्र में है, यानी कि अर्थ स्टोन और सनस्टोन। और मूनस्टोन जो था वो मिल गया था उस पुलिस वाली को। पुलिस वाली जो है वो मिगेल को कहती है कि तुम मुझे अगर पार्टनर बना देते हो तो ये मूनस्टोन तुम्हारा हो जाएगा और खजाना मेरा हो जाएगा। इसके बाद ये लोग एक म्यूजियम में जाते हैं। म्यूजियम में इसलिए जाते हैं क्योंकि सालों पहले वो कब्र को किसी ने चुरा लिया था और वो कब्र फिर पकड़ ली थी पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने जब वो कब्र पकड़ी तो उसमें जितना भी सामान था वो एक वेयर हाउस में डाल दिया था। अब भाई अर्थस्टोन जो है, अर्थस्टोन एक कब्र में दफन है और उसको लेने जाते हैं हमारे लिली, ऑक्टावियो, लूकस और सितलाली। ये लोग जाते हैं और वो चर्च के पादरी को कहते हैं कि इस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज हमें यहाँ पे एंटर करने दीजिए, क्योंकि यही चर्च जो है इस लड़की को बचा सकता है। अब ऑक्टावियो जो है वो फादर बन जाता है, सितलाली बीमार लड़की बन जाती है और लूकस उसका असिस्टेंट बन जाता है। यहाँ पे लिली आती है और उस फादरी को समझाती है। इसके बाद वो फादर बोलता है कि ठीक है मैं एंट्री देता हूँ आप लोगों को, और फिर ये लोग निकल जाता है खजाने की चाबियों की तरफ। फिर दिखाया जाता है मिगेल और विल्सन को। मिगेल और विल्सन को जब वो चाबी मिल जाती है तभी वहां पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं पुलिस वाले को फोन कर रहा हूं, और वो फोन कर देता है उसी पुलिस वाली को जो मिली हुई है मिगेल से। तब वो पुलिस वाली वहां पे आती है और कहती है कि इन लोगों ने क्या चुराया है। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि इन लोगों ने ये सनस्टोन चुराया है और इन लोगों को आप हिरासत में ले लीजिए। इसके बाद वो पुलिस वाली इन दोनों को उठा के ले जाने लग जाती है और कहती है कि मैं इस स्टोन को भी ले जा रही हूं क्योंकि ये सबूत के तौर पे काम आएगा। तभी दिखाया जाता है ऑक्टावियो और सितलाली को। ये लोग जाते हैं अंदर और फिर ऑक्टावियो कहता है कि मुझे ये चर्च के फादर्स और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे कब्र पसंद है। तभी सितलाली देखती है कि वहां पे एक कब्र है और वो ऑक्टावियो उसे तोड़ने लग जाता है। जब वो उसे पूरी तरह तोड़ देता है तब देखता है कि उस पे सचमुच का एक अर्थ स्टोन है और वो अर्थ स्टोन बहुत ज्यादा चमकता है। इस वजह से चर्च का जो फादर है वो कहता है कि ये कैसी आवाज है, और यहाँ पे लिली उसको समझाती है कि ये उस लड़की की आत्मा जो है वो बाहर जा रही है और अच्छी आत्मा उसके अंदर आ रही है। तभी वो लोग स्टोन चुरा लेते हैं और फिर वो चर्च से बाहर आ जाते हैं। इसके साथ लिली जो है उस फादर को कुछ पैसे देती है और कहती है कि ये गरीबों में बांट देना। जब वो फादर वो पैसे देखता है तो सारे पैसे नकली होते हैं। इस वजह से फादर समझ जाता है कि इन लोगों ने मेरे को बेवकूफ बनाया है। इधर पुलिस वाली जो है वो भी आती है और इनको छोड़ देती है और कहती है कि तुम लोग जल्दी निकलो यहां से वरना कोई और आ जाएगा। यहां विल्सन कहता है कि तुमने एक पुलिस वाले को अपने गैंग में शामिल कर लिया, तुमने इसको भी बैंडिडोट्स टीम बना दिया, आजकल कोई भी एरा गैरा बैंडिडोट्स टीम में शामिल हो जाता है। तब मिगेल बोलता है अरे चाचा छोड़ दो ना यार, ये भी हमारी टीम में है और पुलिस वाली है तो हमको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी पुलिस वालों से। इधर पुलिस वाली मैडम बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, खजाना मिलने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तभी दिखाया जाता है ये लोग अपने अड्डे पे आ जाते हैं, यानी लूकस के घर पे। ये लोग आके देखते हैं कि चाबियां तो हमें मिल चुकी हैं और तीनों चाबियां अब हमारे पास है, अब बस पता लगाना है कि असली खजाना छुपा कहां पे है। तभी वहां पे लूकस की मॉम आ जाती है। लूकस की मॉम उसके दोस्तों को देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि लूकस जो है कभी अपने दोस्तों से मिलता नहीं है और वो हमेशा अकेला रहता है। इस वजह से उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लूकस को कहती है तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन गए हो। तभी फिर सब डिसाइड करते हैं कि हमें वो स्टोन गुंडों को देना पड़ेगा क्योंकि गुंडों ने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम स्टोन दे देते हो तो हम मिगेल के पापा को छोड़ देंगे, और मिगेल कहता है कैसे भी करके मुझे पापा को छुड़ाना है। तब सारे लोग बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत की ये स्टोन लाने में और तुम ऐसे ही दे दोगे उनको। तब मिगेल बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम मिलके एक इसकी कॉपी बनाएंगे और ये कोई ऐसी वैसी कॉपी नहीं होगी, ये एकदम सॉलिड कॉपी होगी जो बिल्कुल नहीं लगेगी कि ये नकली चाबियां हैं, और उसको बनाएगा विल्सन, क्योंकि विल्सन जो है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और वो कोई भी चीज बहुत अच्छी तरह बना देता है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट। इससे वो लोग जो चाबियां हैं वो दे देंगे उन लोगों को और इसके बाद उसके पापा को छुड़ा देंगे, और जो असली चाबियां है वो इनके पास रहेंगी, और जब उसके पापा की याददाश्त थोड़ी अच्छी होगी तब वो अपने पापा से पूछेगा कि खजाना कहाँ है। और ये लोग निकल जाते हैं प्लान बनाने के चक्कर में। वो कहता है कि बच्चों जाके तुम जो सामान लेना है वो ले लेना। इधर वो विल्सन को कहता है कि तुम तैयारी करो सारे सामान बनाने की। वो ऑक्टावियो को कहता है कि जाओ कुछ गन्स ले आओ क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। और इधर मिगेल और लिली जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए। मिगेल लिली को एक लॉकेट गिफ्ट करता है जो कि उसने चुराया था उसी म्यूजियम से। अब जो लॉकेट मिगेल ने लिली को दिया था
उस लॉकेट में होता है एक ट्रैकर, ताकि लिली जहां भी जाए उसको पता चल जाए। और फिर होता यह है, दिखाया जाता है मिगेल के पापा को जो कि मिलता है एरियल से। अब एरियल ने ही किडनैप करवाया था उसके पापा को, इस वजह से उसने उसको बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है। और वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप याद कीजिए कि खजाना का पता कहाँ पे है, अगर आप मुझे खजाने का पता बता देंगे तो मैं आपको अच्छे से छोड़ दूंगा। लेकिन मिगेल के पापा की याददाश्त तो आती ही नहीं है और वो भूल रहे होते हैं कि मैंने खजाना कहाँ छुपाया है। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास एक डायरी थी, अगर वो डायरी मुझे मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि खजाना का पता कहाँ है। और वो डायरी होती है मिगेल के पास। एंड मिगेल और लिली जो है वो जाते हैं एरियल के घर पे। अब वो जाके एरियल से सिक्योरिटी मांगते हैं ताकि जब वो चाबियां देंगे तो वो गुंडे इनके साथ फ्रॉड ना कर रहे, और इस वजह से एरियल अगर इनको सिक्योरिटी दे देता है तो वो सिक्योरिटी इनके काम आएगी। तब एरियल जो है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी जो चाबियां हैं वो मुझे एक बार देखनी है। लेकिन मिगेल बोलता है कि वो चाबियां मेरे पास नहीं है, वो जहां भी है सेफ है। इसके बाद वो कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन लिली जो है ये मेरे पास ही रहेगी। इस वजह से मिगेल थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। देन फिर दिखाया जाता है ऑक्टावियो और उस पुलिस वाली को। ऑक्टावियो और ये पुलिस वाली जो है ये दोनों अब दोस्त बन चुके हैं। और फिर जिस जगह वो डील होने वाली है वो वहां पे जाके देखते हैं कि ये जगह तो बहुत ज्यादा पब्लिक वाली है और यहाँ पे बहुत सारे कैमरेज भी हैं और बहुत सारे पुलिस वाले इस जगह पे घूमते हैं, तो यहाँ डील कैसे हो सकती है और यहाँ पे गुंडे कैसे आ सकते हैं। इस वजह से वो समझ जाते हैं कि उन लोगों ने हमसे झूठ बोला है और डील तो कहीं और होने वाली है, और ये दोनों यहीं पे फंस जाते हैं। फिर दिखाया जाता है विल्सन जो है वो सारे स्टोन्स बना चुका है और वो बस मून स्टोन को ही तराशना बाकी रह गया था उसको। तभी वहां पे मिगेल आ जाता है और इस वजह से वो मून स्टोन टूट जाता है। विल्सन गुस्सा हो जाता है कि तूने आके मेरा मून स्टोन तोड़ दिया, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। इस वजह से कहता है कि अरे कोई बात नहीं चाचा, मैं जानता हूं आप वापस बना लोगे। और यहां विल्सन बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। तब मिगेल जो है वो सितलाली को कहता है कि तुम यहां से जाओ और तुम जाके आराम करो, इनका काम करने का तरीका ऐसा ही है, ये जरूर बना लेंगे वो सारे स्टोन्स। और फिर से विल्सन वो स्टोन्स बनाने लग जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है एरियल और लिली को। एरियल जो है वो उसको अपनी बोट पे लेके आता है और कहता है कि ये सबसे महंगी बोट है जिस पे तुम अभी कदम रखने वाले हो। और यहां पे ये दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। तब दिखाया जाता है मिगेल ने जो है वो डायरी एरियल को दे दी थी, और इसके बाद एरियल कहता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, तो अब ये पढ़ के वही बताएंगे। इस वजह से ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी ये सीन कट होता है, दिखाया जाता है ऑक्टावियो और उस पुलिस वाली को। वो दोनों आते हैं यहां पे और कहते हैं कि वहां पे डील नहीं होगी, उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। और फिर ये कहानी स्विच हो जाती है सितलाली और लुकस पे। ये दोनों जा रहे होते हैं क्योंकि लुकस जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। लुकस का जो एटीएम कार्ड है उसकी मॉम ने ब्लॉक करवा दिया है। और इसके बाद लुकस एक आइडिया लगाता है और कहता है सितलाली से कि तुम बहुत अच्छी चोर हो, तो तुम क्या मदद करोगी मेरी मॉम की एटीएम कार्ड चुराने में। और सितलाली मान जाती है। फिर सीन स्विच होता है और दिखाया जाता है एरियल और लिली को। ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी इनकी जो रम है वो खत्म हो जाती है। और फिर लिली कहती है कि मैं जा रही हूँ, ये बोट भी घूम लूंगी और मैं बोतल भी ले आऊंगी। तभी जब वो नीचे जाती है वो देखती है कि मिगेल का जो पप्पा है वो यहाँ पे बंद है और एरियल ने उसे किडनैप करके रखा है। तभी वहां पे एरियल आ जाता है और कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, और वो लिली को भी वहीं पे बंद कर देता है। इधर दिखाया जाता है ऑक्टावियो और उस पुलिस वाली को। वो पुलिस वाली जो है ऑक्टावियो से बात करती है और कहती है कि मुझे अपने बच्चे को छुड़ाना है, इसलिए मैं इस चक्कर में पड़ी हूं। इस वजह से ऑक्टावियो कहता है कि तुम जरूर छुड़ा लोगे। और फिर दिखाया जाता है सितलाली और लुकस को। सितलाली जो है वो लुकस के घर पे आती है और उसके मॉम के साथ बैठ के डिनर करती है और चुपके से उसका एटीएम कार्ड चुरा लेती है। फिर लुकस जो है सारे पैसे निकाल लेता है उसकी मॉम के एटीएम से, क्योंकि लुकस को जरूरत पड़ने वाली थी, और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली विल्सन जो है वो स्टोन बना लेता है, और फिर ये लोग चले जाते हैं डील करने। जहां पे आया हुआ होता है वो गुंडा, और इस साइड होते हैं एरियल के सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि इनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी। तभी वो गुंडा बहुत ज्यादा शातिर होता है और वो पकड़ लेता है सितलाली और लुकस को और कहता है कि तुम लोगों ने इन्हें गन लेके बिठाया था, पर ये तो बच्चे है। वो गुंडा कहता है लाओ वो स्टोन मुझे दे दो, लेकिन मिगेल कहता है नहीं मुझे मेरे पापा चाहिए। और फिर उस गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तूने स्टोन नहीं दिया तो मैं लुकस को मार दूंगा। फिर मजबूरन वो स्टोन दे देते हैं। जब वो स्टोन देते हैं तो एरियल जो है वो उनकी साइड आ जाता है और मिगेल ये देख के चौंक जाता है कि तुमने क्या किया, तुमने गद्दारी की हमारे साथ। और फिर बोलता है कि ये सारे नकली स्टोन्स हैं, तुम असली स्टोन्स कहाँ छुपा रखा है तुमने। तब मजबूरन उनको असली स्टोन देना पड़ता है और वो असली स्टोन जो है वो उनके हाथ से चला जाता है। एंड देन फिर दिखाया जाता है लिली और मिगेल के फादर को।
फिर लिली जो है वो कमरे के खोलने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो कमरा खोलती है वो देखती है कि ऑक्टावियो भी वहां पे पहुंच गया है, और फिर पूछती है लिली कि तुम लोगों को मेरा पता कैसे चला, और ऑक्टावियो बोलता है कि तुम्हारे लॉकेट में एक ट्रैकर लगा हुआ है जो मिगेल ने लगाया था, और लिली समझ जाती है कि जानबूझ के मिगेल ने ये लॉकेट मेरे को दिया था। इस वजह से लिली जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है मिगेल से और कहती है कि तुमने स्टोन्स भी दे दिया और मेरे साथ धोखा किया। तब मिगेल बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनको सिर्फ दो स्टोन्स दिए हैं और एक मून स्टोन जो है वो बस मेरे पास है, यानी कि जब तक उनके पास तीनों सही चाबियां नहीं होंगी वो खजाना नहीं खुलने वाला है। इस वजह से मिगेल जो है वो बहुत बढ़िया दिमाग लगा लेता है और वो अपने पापा को भी छुड़ा लेता है। अब वो कहता है कि पापा याद करने की कोशिश कीजिए कि वो खजाना कहाँ है। तब लिली बोलती है कि मुझे पता है वो खजाना कहाँ है, और फिर वो कहती है कि उन लोगों ने पिरामिड में ही वो खजाना छुपाया होगा, और फिर ये लोग निकल जाते हैं पिरामिड को ढूंढने। इधर लूकस जो है वो एक प्लेन बुक करता है जो कि बिना सीट वाला होता है, और सारे लोग उस प्लेन में चढ़ जाते हैं और बैठ के बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं। ये लोग पार्टी करते करते ये भूल जाते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पी ली है, फिर ये सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ऑक्टावियो जो है वो पीता नहीं है, इस वजह से वो होश में रहता है, बस वो सोया रहता है। तभी दिखाया जाता है कि उस प्लेन का जो पायलट है वो कूद जाता है ऑटो पायलट करके। इस वजह से ऑक्टावियो देख के बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि यार ये पायलट कहां चला गया, और फिर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यार अब प्लेन कौन चलाएगा। और ये जो फिफ्थ एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये प्लान क्रेश होएगा या नहीं होगा, ये तो आपको सिक्स्थ एपिसोड में पता चलेगा। सिक्स्थ एपिसोड के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करने में आप लोगों को जोर आता है। तो सबसे पहले तो लाल वाला बटन दबाओ, और लाल वाला बटन दबा दिया तो थोड़ा मुस्कुराओ और वीडियो को लाइक करो।